मंदसौर जिले के ग्राम नैनोरा के निवासी लक्ष्मीचंद जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और सनावत गांव के शिक्षक किशनलाल विजय की शिकायत करते हुए बताया कि उक्त शिक्षक किशनलाल विजय वर्ष 2007 में पीपलिया मंडी थाने के नामजद आरोपी होकर माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार 4 दिवस कारागार भी रहे हैं, लेकिन आरोपी शिक्षक किशनलाल विजय ने अपनी 4 दिवस की इस सजा को अपने सनावत विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक गणों से दूर रखा है और विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर में CL तक लगा दी है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। मामले में फरियादी लक्ष्मीचंद द्वारा पहले भी अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन जिले में पदस्थ अधिकारी भी मामले में जांच के नाम पर ढील फोल बरत रहे थे। उक्त दोषी शिक्षक बेखौफ घूम रहा था। इधर शिक्षक को जब कुछ समय पहले संकुल के वरिष्ठ शिक्षकों ने उक्त शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया, तो शिक्षक किशन लाल ने शिकायत रंजिश के चलते होना बताया। लक्ष्मीचंद पिता अमृतराम ग्राम नैनोरा सर, मेरे द्वारा एक शिकायत की गई थी शिक्षक किशनलाल विजय के लिए। उन्होंने जो है 2005 के अंदर गंभीर धाराओं में संगीन धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें वो जेल भी गए, न्यायिक हिरासत में गए, 4 दिन तक रहे। और शासकीय कर्मचारी अगर कुछ 24 घंटे से ज़्यादा अगर जेल में रहता है या कारावास में रहता है तो उसको अपने विभाग को वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करना होता है, जिसको उन्होंने न करते हुए समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने अपने विभाग के उपस्थिति रजिस्टर के अंदर CL दर्शा कर किसी को भी न बताते हुए अपने आप इस मामले को दफना दिया, जिसको संज्ञान में आने के बाद मैंने इस मामले को उजागर किया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया, लेकिन आज जांच के नाम पर उनको सिर्फ डिले किया जा रहा है और इस संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई विभाग द्वारा। आपका नाम और कौन से गांव के हैं? नाम लक्ष्मीचंद, पिता अमृतराम, निवासी नैनोरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। स्कूल के टीचर हैं किशन लाल जी, जिन्होंने जेल के दौरान फर्जी तरीके से CL लगी है, क्या है पूरे मामले? हाँ, एक प्रकरण है, उसमें शिक्षक जो है आकस्मिक अवकाश लिया था उस अवधि में, और बताया कि उस पर आरोप है कि आकस्मिक अवकाश जिस अवधि में लिया है उस अवधि में वो जेल में रहे हैं। तो प्रकरण की जांच हमने करवाई थी और चूंकि वो हमारे स्तर पे कार्रवाई नहीं होता है होना है, इसलिए कार्रवाई के लिए हमने प्रकरण जो है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन को भेज रखा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। जिन शिक्षकों पे जिला स्तर से कार्रवाई होना उस पर तो हम करते हैं, चूँकि उनका प्रकरण हमारे स्तर का नहीं है, संयुक्त संचालक स्तर से ही कार्रवाई होना है, तो वहाँ हम उसका रिमाइंडर दे देंगे। KNN न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।